बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खैर व अफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब तस्बीह का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक बहुत ही ख़ास कलमा है। अगर ये तस्बीह अगर आप रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है, घर के मौली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है, कारोबार नहीं चल रहा है, रिज़्क में तंगी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ये तस्बीह पढ़ने यकीन कीजिए अल्लाह तबरक व तआला आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्बीह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह है और इस तस्बीह को हमारी बहुत सी बहनों ने पढ़ा है, हमारे बहुत से भाइयों ने पढ़ा है और उन्होंने मौजज़ात अपनी आँखों से देखे और हमारे चैनल में बताया है कि इस अमल को करने से, इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह पाक ने हमें इतना ज़्यादा अता किया है कि हम लोगों में बांटना शुरू कर दिया है हमने, और हमें समझ नहीं आती है कि हम इतना ज़्यादा रिस्क, इतना पैसा कहाँ रखें। तो मेरी बहन और भाइयों, अगर आप गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत के मारे हुए हैं, रिज़्क की तंगी आ चुकी है, तो ये तस्बीह रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। आप इसको चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं या आप इसको कोशिश करें कि हर नमाज के बाद अगर इसकी एक तस्बीह भी 100 दानों वाली पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपने पढ़ना यह है कि अल्लाह तबरक व तआला को आपने इन दो ख़ास कलमों से पुकारना ही नहीं, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आपने अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारना नहीं, अल्लाह तबरक व तआला पाक है, अजमत वाला अल्लाह पाक है। ये दो ख़ास कलमे इतने ज़्यादा ख़ास कलमे हैं, अल्लाह पाक को इतने ज़्यादा पसंद हैं, ये हल्के से हैं ज़बान पर लेकिन तराजू में ये कलमे बहुत ही भारी हैं, और अल्लाह पाक जो बंदा इन कलमों को पढ़ता है तो अल्लाह पाक के यहाँ वो बंदा बहुत ज़्यादा महबूब तरीन हो जाता है और फिर अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह पाक की ज़ात अता कर देती है। तो आपने करना ये कि चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम कर रहे हैं, आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम आपने पढ़ना शुरू कर देना है, या आप हर नमाज के बाद भी एक तस्बीह जो है इसकी पढ़ें। यकीन कीजिए थोड़े ही दिनों बाद इसका मौज़ा देखेंगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में कुशादगी पैदा कर देंगे और आपको वहाँ वहाँ से रिज़्क और दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो ये अमल आप लाजमी करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाक